हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन टेक। दोस्तों, अगर आपने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आप उसे ग्रो करना चाहते हो, आप अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हो लेकिन आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, ठीक है, आपका चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो यह वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो से आप जान सकते हो कि आपको जो है कैसे वीडियो अपलोड करना है, किस तरह का वीडियो अपलोड करना है और किस तरह से आप व्यूज़ जो है पा सकते हो, एक अच्छे खासे व्यूज़ पा सकते हो और मेहनत भी आपको कम करना है। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि यह एक रिस्की वे है, तो रिस्की वे है ये कैसे, ये आप जान जाओगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ कि आपने अगर पहले नया चैनल बनाया है और वीडियो डालते हो, तो आप जो है सबसे पहले क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो डालें। अब ये क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस क्या होते हैं? ये क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस वैसे वीडियोस होते हैं जो आप जो उसके जो जो वो उस वीडियो को बनाते हैं वो उसे रीयूज करने के लिए अलाउ करते हैं। तो आप उस तरह के वीडियोस को जो है पहले सबसे पहले अपलोड करें। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, जैसे कि जो भी आपको पसंद आए, जिस तरह के भी आप वीडियो बनाते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, मूवीज डालते हो या कुछ भी डालते हो। जैसे कि मैं मूवीज को ले लेता हूँ, तो मूवीज में जो है आपको क्रिएटिव कॉमन्स मूवीज को जो है सर्च करना है, और जैसे ही वो क्रिएटिव कॉमन्स मूवीज आपको मिल जाए और आपको अपने चैनल पर उसे डाल देना है, अपलोड कर देना है। तो इसे आप देख रहे होंगे कि मूवीज वाले चैनल पर बहुत सारे व्यूज आते हैं और जो आपके जो है आवर्स भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको सब्सक्राइबर भी बहुत मिल जाएगा। जब आपके सब्सक्राइबर 1,000 सब्सक्राइबर, 1,000 से प्लस सब्सक्राइबर हो जाए, जब भी आप कॉमन हो, तो फिर उसे आप उस सारे सारे क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस को जो है आपको डिलीट कर देना है, और फिर उसके बाद आप अपना जो कंटेंट डालना चाहते हो वो कंटेंट डाल सकते हो। इससे आपके व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे और आप इससे अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। तो आप अगर जानना चाहते हो कि क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोज जो है कैसे अपलोड किए जाते हैं, तो आप वीडियोज को देखे आगे की ओर। तो देखिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी ब्राउजर को खोलना है, उसमें जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए उस वीडियोस को सर्च करना है। फिर जो ये अपर ऊपर की ओर जो है, अपर साइड जो है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हो आप स्क्रीन पर, देख रहे हो, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये आप क्रिएटिव कॉमन्स जो लिखा हुआ है इधर, क्रिएटिव कॉमन्स में जो है आपको क्लिक करना है। और क्रिएटिव कॉमन्स में क्लिक करने के बाद ये सारे वीडियोस जो है, सारे क्रिएटिव कॉमन्स के वीडियोस हैं, और इसमें जो है आपके जो आपको अच्छा लगता हो इसे आप सेलेक्ट कर इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप इसे इस तरह से ओपन करो और फिर उसके बाद इसके यूआरएल को खोलना है और सभी को जो है इस तरह से एडिट करना है और SSSS डालकर जो है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो है आप MP4 720p जिसमें भी डाउनलोड करना चाहो वो डाउनलोड कर सकते हो। फिर इस वीडियोस को है आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, जिससे कि व्यूज़ आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और व्यूज़ और सब्सक्राइबर आप अच्छे गेन कर लोगे, तो फिर आप इसे बंद कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो मेरे लिए आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।